फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाइथन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। आई एम गौतम फ्रॉम WS Cube Tech। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन एनकैप्सुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूजिंग ओब्स इन पाइथन वी कैन रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू मेथड एंड वेरिएबल्स, यानी ओब्स कंसेप्ट के थ्रू हम किसी भी क्लास के वेरिएबल्स, मेथड्स और फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इनहेरिटेंस करवाते हैं तब क्या होता है कि सब क्लास सुपर क्लास के हर एक वेरिएबल को, हर एक मेथड्स को और हर एक फंक्शन को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। बट हम उन पे एक रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं तो हम वो किसके थ्रू करते हैं, एनकैप्सुलेशन के थ्रू करते हैं। द प्रिवेंट डेटा फ्रॉम डायरेक्ट मॉडिफिकेशन विच इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। इन पाइथन वी डिनोट प्राइवेट एट्रीब्यूट यूजिंग अंडरस्कोर एज प्रीफिक्स, दैट इज सिंगल अंडरस्कोर, और जो दूसरा होता है वो होता है मेरा डबल अंडरस्कोर। यानी अगर मुझे किसी भी मेथड को या वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाना है तो मैं क्या यूज में लूंगा, सिंगल अंडरस्कोर यूज में लूंगा। और अगर मुझे किसी मेथड को या वेरिएबल को प्राइवेट बनाना है तो मैं क्या यूज में लूंगा, डबल अंडरस्कोर यूज में लूंगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एनकैप्सुलेशन को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम लिखा मैंने कंप्यूटर, और उसका एक क्या बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर बनाया, और जिसके अंदर लिया मैंने एक वेरिएबल सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड। अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, मेरा प्राइवेट वेरिएबल हो गया, और जिसमें मैंने वैल्यू असाइन करवाई है वो है 120। देन मैंने एक सेल नाम का मेथड बनाया है, उसके अंदर लिखा मैंने मैक्स स्पीड डॉट फॉर्मेट और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड। अब मैंने क्या करवाया, सेल्फ फंक्शन की हेल्प से या सेल मेथड की हेल्प से इस वेरिएबल को क्या करवाया, मैंने प्रिंट करवाया सिंपल सा। देन मैंने सेटर फंक्शन यूज में लिया। जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सेटर फंक्शन क्या होता है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, बस इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर। देन मैंने एक मेथड क्रिएट किया डेफ सेट मैक्स स्पीड, और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा मैंने सेल्फ डॉट प्राइस, और यहां पर लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड इक्वल टू प्राइस। अब मैंने क्या किया, कंप्यूटर नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है मेरा सी, और देन मैंने यहां लिखा सी डॉट सेल, यानी जो ये सेल मेथड है वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉल हो जाएगा, और जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मेरी प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, अब मुझे अगर उसकी स्पीड चेंज करनी है, यानी अगर मुझे मैक्स स्पीड क्या करनी है, चेंज करनी है, तब मैं कैसे करूंगा, यानी अगर मैं इनकैप्सुलेशन यूज में न लू तो क्या करूंगा, मैं सी डॉट मैक्स स्पीड लिखा इक्वल टू इक्वल 150 किया तो वो आउटपुट में चेंज हो जाएगा। बट जब मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज ले रहा हूं, क्योंकि अब अगर मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज ले रहा हूं तब क्या होगा, ये जो वेरिएबल है वो क्या होगा, मेरा प्राइवेट वेरिएबल होगा, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। देन मैंने क्या किया, यहां पे सी डॉट सेल किया, तो जैसे मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो मैक्स स्पीड 120 थी, और मैक्स स्पीड 150 करने के बाद भी मेरी मैक्स स्पीड क्या नहीं हुई, चेंज नहीं हुई। अब मैंने क्या किया, सेट फंक्शन को कॉल करवाया, सेटर फंक्शन को। देन मैंने यहां लिखा सी डॉट मैक्स स्पीड पैरेंथेसिस के अंदर 200, और देन मैंने कॉल करा सी डॉट सेल, तो आउटपुट में क्या आ गया, मेरा 200 आ गया, जबकि मुझे और अब मेरी जो स्पीड है वो चेंज हो गई। अब हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट कॉल करवाने पे मेरी प्राइवेट मेंबर की या प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, बट सेटर फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करवा दी। अब मैं आपको बताता हूं सेटर फंक्शन क्या करेगा। सेटर फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेरिएबल है वो प्राइवेट वेरिएबल है, यानी ये सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज हो सकता है। देन मैंने क्या किया, सेट मैक्स स्पीड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर लिखा मैंने सेल्फ और उसकी प्राइस चेंज की। अब मैंने आर्ग्यूमेंट के तौर पर क्या ले लिया, प्राइस ले लिया, और क्या करवाया मैंने, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड इक्वल टू प्राइस। तो फिर मैंने क्या करवा दिया, इस मैक्स स्पीड की वैल्यू चेंज करवा दी, और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेटर फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम एक नए फंक्शन की हेल्प से प्राइवेट मेंबर या प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सेटर फंक्शन बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई जिसका नाम लिख दिया मैंने कंप्यूटर, और उसके अंदर एक देन उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और यहां पे लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड, और उसकी वैल्यू रख दी मैंने 120।
अब मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसका काम क्या होगा, मेरा प्रिंट करवाना होगा इस मैक्स स्पीड को, और उसका नाम लिख दिया मैंने सेल, और क्या करवाया यहां पे, प्रिंट मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि मेरे यहां पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड। अब मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी हम क्या करेंगे सेटर फंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे। अब मैंने क्या किया, क्यू नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, कंप्यूटर नाम की क्लास का, और उसको अंदर क्या करवाया मैंने, क्यू डॉट सेल। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा, मैक्स स्पीड आ गया 120। तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्स स्पीड को क्या करवा सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं। अब अगर मुझे मेरी मैक्स स्पीड चेंज करनी है, यानी मेरी मैक्स स्पीड 120 है और मुझे मेरी मैक्स स्पीड को 150 करना है, तो मैं क्या करूंगा, जनरली हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं क्यू डॉट उस ऑब्जेक्ट का नाम, उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। देन मैंने यहां लिखा 150, यानी बिना एनकैप्सुलेशन यूज किए तो हम तो ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाएगा। बट अगर मैंने जैसे ही अब अगर जैसे ही मैं एनकैप्सुलेशन यूज ले रहा हूं तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। देन मैंने यहां पे क्या करवाया, क्यू डॉट सेल को क्या करवाया, कॉल करवाया, तो आउटपुट क्या है मेरा, 120 ही आया, क्योंकि अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड नाम का जो वेरिएबल है वो प्राइवेट वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज नहीं हो सकता। अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे क्या बनाना होगा, एक सेटर फंक्शन बनाना होगा जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट मेंबर्स की या प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे। देन मैंने यहां लिखा def setter, और उसके अंदर क्या पास करवाया मैंने, सेल्फ, और पास करवाया दूसरा प्राइस। अब मैंने क्या लिखा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड इक्वल टू क्या होगी, मेरी प्राइस होगी। अब जो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, सेटर फंक्शन। इस फंक्शन का नाम सेटर हो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट जो ये प्रोसेस होता है या इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड की वैल्यू चेंज करनी है, तब मैं क्या करूंगा, क्यू डॉट सेटर, और उसके अंदर वो वैल्यू पास करवा दूंगा जो मुझे अपडेट करनी है। सपोज मुझे यहां पे चेंज करना है 150 या 200, तो मैंने यहां 200 पास करवाया और मैंने लिखा क्यू डॉट सेल। सेल क्या करेगा, प्रिंट करवाने का काम करेगा। अब मैं क्या करता हूं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो जो मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया था अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैक्स स्पीड, उसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, और ये किसके थ्रू हुआ, सेटर फंक्शन की हेल्प से हुआ। तो ये तो था मेरा एनकैप्सुलेशन कैसे कर सकता हूं, और साथ ही साथ मैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल या डेटा टाइप कैसे डिक्लेयर कर सकता हूं, और अगर मुझे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल या मेथड्स की वैल्यू चेंज करवानी है तो मैं कैसे काम करूंगा। अगर हमें चेंज करवानी है तो हमें सेटर फंक्शन यूज में लेना होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।